दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे गैंग के बारे में बताना चाहूंगा जिसका 1990s में नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा खौफ था। मैं बात कर रहा हूँ कच्चा बनियान गैंग के बारे में। ये गैंग 1987 से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक्टिव था। ये गैंग घरों में रॉबरी करते और घर के सदस्यों का बेहद घिनौने तरीकों से मर्डर्स करते। ये गैंग रॉबरी और मर्डर्स के वक्त सिर्फ कच्चा और बनियान में रहते, इसलिए इनका नाम कच्चा बनियान गैंग रखा गया है। इस गैंग के अगेंस्ट 1990 में पहला केस रजिस्टर हुआ था और ये गैंग दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में एक्टिव था। ये गैंग के मेंबर्स दिन में लेबर, वॉचमैन और भिखारी बनके आम लोगों की तरह जिंदगी बिताते और अपने रिच टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते और रात में इन रॉबरीज और मर्डर्स को अंजाम देते। रॉबरी करने के बाद ये लोग घर के खाने और चीजों को बहुत बुरी तरीके से फैला के रखते, ये उनका सिग्नेचर स्टाइल था। जब ये लोग रॉबरी करने जाते तो अपने पूरे बदन पे तेल लगा लेते थे ताकि अगर कोई पकड़ने की भी कोशिश करे तो वो आसानी से छूट जाए, और अपने मुंह पे एक कपड़ा लपेट लेते थे ताकि कोई पहचान में ना आ जाए। ये लोग घिनौने मर्डर्स करने के लिए आयरन रॉड्स, हथौड़े और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे और घर के सदस्यों को नींद में ही मार देते थे। 2008 और 2016 में मुंबई पुलिस ने कच्चा बनियान गैंग के कुछ लोगों को एक ऑपरेशन के दौरान अरेस्ट किया था। उस वक्त के दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उनकी टीम ने 13 सिमिलर केसेस को सॉल्व किया था और कच्चा बनियान गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट किया था। हाल ही में नेटफ्लिक्स पे दिल्ली क्राइम का सीजन 2 रिलीज हुआ है और ये वेब सीरीज इसी कच्चा बनियान गैंग के ऊपर आधारित है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्काउटिंग टिप्स for more such amazing content.